एक ऐसा जंगल है जो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ये दुनिया के सबसे हैरत भरे और सबसे दुर्लभ और सबसे बेमिसाल जंगलों में से एक है। इसके पेड़ रहस्यमय और प्राचीन हैं और इनके साथ जुड़े हैं जाने कितने प्रतीक और जाने कितने मिथक। पेड़ों के तने खोखले और ऐठे हुए हैं, कई बार तो देखकर यकीन ही नहीं होता। यहाँ के कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं, समय के थपेड़े खाए बूढ़े पेड़। यहाँ अनगिनत जीव पनाह लेते हैं। एक अनुशासन भरा जंगल जो दिखने में भले कल्पना से परे लगे, पर यह एक अनूठे इकोसिस्टम का आधार है। जंगली जीवों का सुरक्षित घर, वो भी ऐसे इलाके में जहां इंसानों ने बहुत क्षति पहुंचाई है। एक जंगल जहां पेड़ कतार में खड़े नजर आते हैं मानो एक विशाल सेना हो, जिसके बीच रहते हों तरह तरह के जीव जो एक समृद्ध और पेचीदा पर्यावास को पालते पोसते हैं। यूरोपियन जैतून का ये जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के आसपास है। ये ग्रीस, टर्की, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला पर है, खासतौर पर एंडलुसिया में। पूरी दुनिया में इंसान की प्रगति की दौड़ जंगलों का सफाया करती जा रही है, पर यहां जैतून के पेड़ बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में इसका फैलाव था 1.1 करोड़ हेक्टेयर का। यह धरती का सबसे बड़ा स्थायी वृक्षारोपण है। यहां तक कि यह क्यूबा और पोर्चुगल के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। इन पौधों का एक बड़ा हिस्सा है पारंपरिक जैतून, जो धीरे धीरे उगते हैं भूमध्य सागर के आसपास अपनी सुस्त रफ्तार से, और एंडलुसिया इस मुकुट का नगीना है। यह जंगल तो हैरत से भरा हुआ है। जैसे कि यह इजिप्शियन मंगूस, नेवले की इकलौती प्रजाति जो यूरोप में पाई जाती है। ये जोशीला और कुशल मांसाहारी जीव यहां अक्सर ही नजर आ जाता है। एंडलुसियन जैतून के जंगलों में जिंदगी की धड़कन पर कोई अड़चन नहीं आती, पर इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि यहां काफी बड़े इलाके में जैतून के जंगल हैं। इनमें से कई बहुत पुराने हैं और ये एक समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यानी ये एक ऐसा जंगल बनाते हैं जहां जिंदगी की चहल पहल कायम है। जीव विज्ञानी जैतून के इन पेड़ों को किसी फसल का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि इनके चारों तरफ जो इकोसिस्टम मौजूद है वो ठीक वैसा ही है जैसा भूमध्य सागर के जंगलों में होता है। इसके जैतून के ये पेड़ एक तरह से सहायक जंगल की तरह हैं, प्राचीन जंगल के बहुत करीब। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। भूमध्य सागर की कई स्थानीय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। असल में जैतून के इन पेड़ों को जैतून के प्राचीन जंगलों पर उगाया गया माना जा सकता है। इस पेड़ की पत्तियां और नन्हे फूल जंग का मैदान बन गए हैं। ये पेड़ों के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं।
नन्हे और पेटू कीड़े हैं जिनकी तादाद तेजी से बढ़ती है, पर इसके बावजूद ये घुसपैठिए सुकून से यहां एक खूंखार शिकारी शिकार पर निकला है, पर इसके पास है एक डरावना हथियार, इसका जानलेवा फौरन असर करने वाला जहर जो शिकार को पूरी तरह से लाचार कर देता है। बिच्छू एरेक्निड के रिश्तेदार हैं, यानी इनका ताल्लुक मकड़ियों से है, और ये भी जैतून के पेड़ों पर कीट पतंगों की तादाद को काबू में रखने का काम करते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला झिंगुर बिच्छू का पसंदीदा कीड़ा है। यह इबेरो मुरक्कन इलाके का रहने वाला है और इसकी मौजूदगी यह दिखाती है कि जैतून के इन पेड़ों की जैविक संपदा या सेहत बहुत ही सही है। दिखने में यह सामान्य झिंगुरों से काफी अलग होता है। इसके सिर से बाहर निकलने वाले इस हिस्से का क्या मकसद है, यह हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। पर शायद इसका इस्तेमाल बचाव और हमले में किया जाता होगा, ठीक वैसे ही जैसे हिरण अपने सींगों से अपने इलाके और अपने हरम की हिफाजत करता है। जैसे ही शाम होती है यह शिकार करने निकल पड़ता है। बिच्छू दूसरे एंथ्रोपॉड्स का शिकार करते हैं, खास तौर पर कीड़ों का। ये शिकार पर घात लगाते हैं, उसे अपने पंजों से कसकर पकड़ लेते हैं और फिर उसमें जहर डालकर उसे पूरी तरह नाकाम कर देते हैं। एक बार शिकार सुन्न पड़ा तो ये उसका गोश्त फौरन सफाचट कर डालते हैं, मानो वो किसी मिल्कशेक का मजा ले रहे हो। यह शिकार है एक टिड्डा जिसे बिच्छू मजे से खा रहा है। बिच्छुओं की लार में बहुत ताकतवर एंजाइम होते हैं जो कीड़ों के कड़े हिस्सों को घोलकर पचा देते हैं। बिच्छू को इस तरह तैयार तरल को बस पी जाना होता है। जैतून के पेड़ों के चारों तरफ एक इकोलॉजिकल नेटवर्क बना हुआ है और इसे समृद्ध बनाते हैं बहुत सारे नन्हे स्तनपाई जीव जो भूमध्य सागर के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यह है एक यूरोपियन या आम खरगोश। जैतून के पेड़ों वाला ये इलाका खरगोश के लिए एकदम सही होता है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेड़ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ ये आराम से बिना किसी डर के रह सकते हैं। जैतून के सबसे पुराने पेड़ों के तनों पर बहुत सारी खरोचे नजर आती हैं। यहाँ के हर कोने कोने का इस्तेमाल स्थानीय जानवर करते हैं। तनों में बने बिलों में खरगोश रहते हैं और उनके बच्चे भी इसी में पैदा होते हैं। अभी अभी पैदा हुए खरगोश के ये बच्चे कुछ देख नहीं पाते ना ही सुन पाते हैं, पर इसके बावजूद इन्हें अपनी माँ के आने का पता चल जाता है और ये दूध पीने को बेचैन हो जाते हैं। शुरुआत में माँ इन्हें दिन में एक बार अपना बहुत ही पोषक दूध पिलाती है,
जब ये 4 महीने से ऊपर के होते हैं तो बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। इस इकोसिस्टम में ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन खरगोश अकेले जानवर नहीं है जो जैतून के इन पेड़ों का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो इन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि ये हूपो। हूपोस आसपास मौजूद कीड़ों को पकड़ते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। वो अपना छत्ता पेड़ों के काफी अंदर बनाती हैं और जैतून के पेड़ में इस तरह की गुंजाइश बहुत होती है। जैतून के इस जंगल में फूलों की भरमार है, इसलिए मधुमक्खियां यहां बहुत सारा पराग और रस जमा कर पाती हैं। जैतून के पेड़ों पर मधुमक्खियों के बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर के मौसम के थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने हरे भरे रूप को कायम रखकर जैतून के ये पेड़ जीवों के लिए एक आरामदायक घर बन जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये ठंड और हवा से बचाते हैं। इस पेड़ की छाया उन झाड़ियों को बचाती है जो इसके तने के आसपास उगती हैं और जिन्हें खरगोश और कुतरने वाले दूसरे जीव खाते हैं। जैतून के इस जंगल में हमलावर जीव भी कम नहीं है। तरह तरह के खरगोश, कबूतर और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं बहुत सारे शिकारी पक्षी, जैसे कि ये छोटे बाज। इस कॉमन केस्ट्रल का आज का दिन शानदार रहा है। इसने अपने जितना बड़ा एक शिकार पकड़ा है। इस कबूतर से जितना गोश्त मिलेगा उसे इस केस्ट्रल को शिकार के बाद अपनी ताकत वापस लाने का मौका मिलेगा। इसके बाद वो अपने चूजों का भी पेट भर सकता है। आम तौर पर इसके घोंसले में 4-5 भूखे चूजे इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैतून के पेड़ के नीचे ये बिच्छू मुसीबत में है। ये चीटियां खूंखार तरीके से अपने इलाके और अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं और इस बिच्छू को खदेड़ने के लिए है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दूसरे कई जीवों के लिए लजीज खाना बन जाती हैं। वेस्टर्न थ्री-टोड स्किंक जैतून के इस जंगल के नम हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है। वो चींटियों के टीले पर आ चुका है और उनके लार्वा और प्यूपा की जमकर दावत उड़ा रहा है। और अब इस छिपकली की बारी है। एक विशाल सेमेट्रोनस चींटियों के टीले पर हमला करने को तैयार है। ये भी इन रसीले लार्वा से अपना पेट भरेगी।
भूमध्य सागरीय इलाके की यह छोटी सी छिपकली कमाल की शिकारी है। लगातार सक्रिय रहने वाली चींटियां लगातार आ रही इन मुसीबतों से उबरने में लगी हैं और ऊपर गूंज रही है सिकाडा की आवाज। ये पेड़ की शाखाओं के बीच छिपा बैठा है। गर्मियों में प्रजनन के मौसम के बाद जैतून के इस जंगल में वो जीव भी चले आते हैं जो यहाँ बसंत में नहीं आते। ये पेड़ की छाया में पनाह लेते हैं और जब वो यहाँ मौजूद हैं तो ऐसे खाने का लुत्फ उठाते हैं जो सपाट मैदानों पर अक्सर नहीं मिलता। कुछ तो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जैतून के पेड़ों पर उन्हें खाने को मिलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीव जैसे कि चूहे। जैतून के इस जंगल के उस हिस्से में जहां शिकारी ज्यादा नहीं आते जीवों की तादाद खूब बढ़ जाती है और नेवले को ऐसे इलाके बहुत पसंद है क्योंकि यहां चूहे सांप और दूसरे छोटे जीव बहुत मिलते हैं और ये सब नेवले का शिकार हैं। एक तो इसकी सुनने देखने और सूंघने की कमाल की काबिलियत, दूसरा इसकी चुस्ती फुर्ती और फिर इसके बहुत नुकीले दांत। यह कोई नहीं बच सकता। जैतून के कुछ जंगल इतने बड़े हैं कि इनके अंदरूनी इलाकों में सुनसान और दुर्गम झीलें हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसी ही एक झील है एंडलुसिया की ये झील, जो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गए एक जीव का आखिरी ठिकाना है, व्हाइट हेडेड डक। एक समय ऐसा था जब जंगल में इनकी तादाद मुश्किल से एक दर्जन रह गई थी। जैतून के इस विशाल जंगल में अलग थलग जैतून के पेड़ों के इस सुरक्षित इलाके में धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और आखिरकार ये खतरे में पड़ी प्रजाति की लिस्ट से बाहर आ गए। पतझड़ आने से जैतून का ये जंगल थोड़ा सा बदल जाता है और व्हाइट हेडेड डक के लिए पके हुए जैतून से आकर्षित होते हैं।
हालांकि कुछ ऐसे जीव हैं जो फल से टपकने वाले पानी को पीकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे ये ब्लैक कैप। जैतून की कई किस्में होती हैं, पर सब में एक गूदेदार फल होता है जिसमें बड़ी तादाद में ऊर्जा, सोडियम, फाइबर और विटामिन ई होता है। इस वक्त जैतून खाने वाले ज्यादातर जीव वो हैं जिन्होंने बसंत के मौसम में इन पेड़ों को कीड़ों से बचाया था। इस तरह जैतून के ये पेड़ अपनी हिफाजत करने वाले इन जीवों का एहसान उतारते हैं। स्टारलिंग, लेसर व्हाइट थ्रोट, ग्रीन फिंच, वॉबलर, ये सब जैतून के पेड़ों पर रहने वाले छोटे पक्षी हैं जिन्होंने बसंत में बड़ी तादाद में कीड़ों का सफाया किया था, और अब कड़ी सर्दियों में ये उन पेड़ों के फलों पर जिंदा रहते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया था। यहां तक कि कबूतर भी कपकपाने वाली इन सर्दियों में यहां चले आते हैं। जैतून के पेड़ और कबूतर, सारी दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर अपनी चोंच में जैतून के पुराने पेड़ की एक पतली डाली दबाए हुए है। जैतून का पेड़ जो भारी बारिश, सर्दियां और सूखे मौसम को सहता है, एक विविधता से भरा, समृद्ध और तरतीब वाला जंगल तैयार करता है।